इस कड़ाके की ठंड में अगर कुछ तीखा मसालेदार खाने को मिल जाए और बिल्कुल आसानी से बन जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चंपारण स्टाइल कटहल की सब्जी, बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी कड़ाही में। इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मैं शिवानी, आपकी दोस्त, और आप देख रहे हैं कुकिंग क्रॉनिकल्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कटहल लिया है, इसे अच्छे से छील करके और काट लिया है। आप जब भी कटहल खरीदें तो कोशिश करें कि कटहल बिल्कुल छोटे साइज़ का हो। जितना कटहल छोटा होगा उतना ही अच्छा स्वाद होता है उसका। तो ये देखिए, इतने छोटे छोटे बीज वाले अगर कटहल आपको मिले तो इसी टाइप के कटहल खरीदें आप। और जब भी कटहल कट करें तो हाथ में सरसों तेल ज़रूर लगाएं, इससे कटहल ईजली कट जाता है, हाथ में चिपकेगा नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है, इसमें मैं सारे कटहल डाल दूँगी और इसमें इतना ही पानी डालूँगी जितने में ये कटहल सारे डूब जाएं। और साथ ही मैं यहाँ पे एक बड़ी इलायची तोड़ के डाल रही हूँ, इससे कटहल में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि कटहल के अंदर तक नमक चला जाए, और आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर डाल लेंगे। अब इसे हम तेज आंच पे एक सीटी लगा लेंगे और प्रेशर तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसे गलाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। अब जब तक ये पक रहा है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, 2-3 चम्मच तेल लिया है, और इसे खूब तेज गरम कर लेंगे। और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट के डाल देंगे, इसे लंबा लंबा ही काटेंगे, और बिल्कुल ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, बस उतना ही तक करना है, और आँच को बिल्कुल तेज रखें। तो ये देखिए, इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब देखिए, सारे प्याज जो हैं ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल तेल से छान के इसे निकाल लें इस तरह से। अब करते हैं आगे की तैयारी। ये देखिए, यहाँ पे मेरे कटहल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसे मैंने पानी से छान के निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2-3 कटी हुई हरी मिर्च। आप अगर यहाँ चाहें तो कटहल को फ्राई भी कर सकते हैं, मैं आज बिना फ्राई किए हुए बना रही हूँ। अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने प्याज फ्राई किया था, और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, उसे मैंने कूट के डाला है। आपके पास जो भी खड़े गरम मसाले हो वो आप डाल दें। साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच ही धनिया पाउडर डाला है मैंने। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच मीट मसाला डाला है, और आप लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के हिसाब से डाल लें। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, और साथ में ही डाल देंगे यहाँ पे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और इसके बाद 3-4 चम्मच यहाँ पे मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, जिससे सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और खूब अच्छे से अब इसे हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। इसे ऊपर नीचे मिलाते हुए खूब अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि सारे मसाले जो हैं वो कटहल में मिक्स हो जाएं। यहाँ सरसों तेल मैंने ठंडा ही डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप भी इसी तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। अब मैं यहाँ पे वही तेल ले रही हूँ जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था। मैं उसमें 1/2 चम्मच घी डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। जब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे ना तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें तेज़पत्ता है, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा और सूखी लाल मिर्च है। तो आपके पास जो भी खड़े गरम मसाले हो आप वो ले लें, और इसे इसमें डाल देते हैं और इसमें खुशबू आने तक इसे तड़कने देते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पर देरी ना करते हुए मैरिनेट किए हुए सारे कटहल डाल दूंगी, और इसे अच्छे से उलट पुलट करके चला लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान रहे कि कटहल अपना पानी नहीं छोड़ता है, प्याज अपना पानी छोड़ेगी, तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट देने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना होगा। तो हम क्या करेंगे
कि जिसमें कटहल मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको डाल देंगे और इसे अच्छे से उलट पुलट करके मिला लेंगे। और अब यहीं पे मैं नमक डाल रही हूँ, आप नमक मैरिनेशन के समय ही डाल लें, मैं वहाँ डालना भूल गई थी इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाल दिया है मैंने और इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक बार आप लोग इस तरह से कटहल बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये बन जाता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। तो यहाँ पे मैं थोड़े से मटर भी डाल रही हूँ, इससे इसका स्वाद और खूबसूरती दोनों बढ़ जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया अभी से ही दिख रहा है ये। अब इसे 7 से 8 मिनट तक ढक्कन लगा के धीमी आंच पे पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया ये भुन गया है और कितना अच्छा कलर आ गया है, लगभग ये पक भी चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक बड़ी इलायची और 3-4 लौंग को सिलबट्टे पे पीस लिया है। आप यहाँ पे चाहें तो खूब अच्छे से इसे कूट करके भी डाल सकते हैं, फ्लेवर में कोई कमी नहीं आएगी, सेम ही फ्लेवर आएगा। अब प्लेट में जितना मसाला लगा हुआ था कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देंगे, वो भी पानी डाल के सब्ज़ी में डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसे खूब अच्छे से अब करेंगे मिक्स। और आपको यहाँ पे जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल लें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, लगभग आधा ग्लास पानी मैंने डाला है। और यहाँ पे 1 चम्मच डाल देंगे घी, जिससे इसका स्वाद जो है और भी इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे टमाटर इस सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं जाएगा, वरना इसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसे ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है ये, और इसकी खुशबू तो इतनी शानदार आ रही है ना कि मैं आपको इसे बोल के तो बता नहीं सकती। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से बना करके। तो आप भी इस कड़ाके की ठंड में चंपारण स्टाइल गर्मा गर्म कटहल की सब्ज़ी और उसके साथ बनाइए गर्मा गर्म चावल, तो भाई क्या कहने, मज़ा ही आ जाएगा खा करके। तो आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच।